मैं मंजरी शुक्ला आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो मैं देवेंद्र जी और जन सरोकार मंच टोंक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आपके सम्मुख प्रस्तुत होने का मौका दिया और मेरी कहानियों के साथ ही मुझे आपसे संवाद करने का अवसर प्रदान किया। वैसे तो मैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में उद्घोषक के रूप में कार्यरत हूँ, पर उसके अलावा मैं कहानियां लिखती हूँ। कहानियां, कविताएं, मतलब जिसे कहते हैं संस्मरण, पर ज्यादातर मुझे बच्चों की कहानियां लिखना ही पसंद है। और बच्चों की अब तक करीब मैंने 350 से ज्यादा कहानियां लिख ली हैं। सब साईं बाबा की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि आप सबको कहानियां पसंद आती हैं, तो ये कहानियों का जो सिलसिला है ये निरंतर जारी है। मैं चूंकि बाल साहित्य से जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं बाल साहित्य के विषय में ही आपसे आज चर्चा करूंगी। जैसे कि बहुत सारी गोष्ठियों में या सेमिनार्स में या लोगों के प्रोग्राम्स अटेंड करने का जो भी मुझे मौका मिलता है, उसमें मैं देखती हूँ कि हम लोग जो बच्चों का साहित्य है, बच्चों के साहित्य को हम लोग अलग साहित्य मानकर चलते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे आजकल के बहुत समझदार हो चुके हैं और वो जो भी अच्छी कहानियां हैं, जो भी अच्छे विचार हैं, जो अच्छी पुस्तकें हैं, जो अच्छे लेखक हैं, उनको बिल्कुल पढ़ते हैं और उनको पढ़कर लिखना सीखते हैं। और ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम में से जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो मेरी बात सुन रहे हैं, वो इस बात से सहमत हैं कि जब हम कुछ पढ़ते हैं उसके बाद ही हमारी कल्पनाशीलता का विकास होता है, हमारा बौद्धिक विकास होता है, हमारी इंटेलिजेंस पावर एनहेंस होती है, हमारे शब्द जिसे कहते हैं वोकेबलरी वो बढ़ते हैं, और उसके बाद ही हम बेहतर ढंग से लिखना शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों के मामले में भी ये बहुत जरूरी है कि सिर्फ उनको ये ना कहा जाए कि नहीं, अगर ये कोई किताब है या ये प्रेमचंद की किताब है। अगर हम प्रेमचंद का उदाहरण लेते हैं तो हम देखते हैं कि तीसरी या चौथी या पांचवी क्लास से ही प्रेमचंद की कहानियां शुरू हो जाती हैं, जबकि उन्होंने जो नमक का दरोगा था या ईदगाह थी, वो कहानी बिल्कुल बच्चों को ध्यान में रखकर नहीं लिखी थी। वो उनकी जनरल कहानियां थी जिन्हें हम लोगों ने बचपन में पढ़ा और जिनसे हमें पता चला कि कर्तव्य निष्ठा की भावना क्या होती है, ईमानदारी क्या होती है, किस तरह से जो व्यक्ति होता है वो अपने उसूलों पर अगर दृढ़ रहे तो वो बड़ी से बड़ी दौलत को, बड़े से बड़े लालच को तुरंत ठुकरा सकता है। इसी तरह से अगर हम काबुली वाला की बात करें या हींग वाला कहानी की बात करें, सुभद्रा कुमारी चौहान की, या देवेंद्र की कहानियों की बात करें, तो सुदर्शन की कहानियों में बाबा भारती की कहानी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि वो जो कहानी है बहुत ही शिक्षाप्रद कहानियां हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन कहानियों की जो खासियत है कि ये बच्चे के मतलब मानस पर बहुत सालों तक ये कहानियां अंकित रहती हैं और बच्चे इन कहानियों को सालों साल याद रखते हैं। तो हम ऐसी कहानी लिखें, ऐसा साहित्य बच्चों को पढ़ने के लिए दें जिन्हें पढ़कर वो बातों ही बातों में बहुत कुछ सीख सकें। जैसे सबसे जरूरी बात है कहानियां लिखना या कहानियां पढ़ना या कहानियां सुनने की अगर बात करी जाए, तो आप ये देखिए कि जो बच्चे हैं वो हमारे सिर्फ आजकल लिसनर्स और व्यूअर्स रह गए हैं। वो ज्यादा से ज्यादा कहानियां कहानियां कह लीजिए या उनके सिलेबस का हिस्सा कह लीजिए या कुछ भी टीवी प्रोग्राम्स कह लीजिए, वो सिर्फ देखना पसंद करते हैं। क्यों? इससे उनका जो इमेजिनेशन है, जो उनकी कल्पनाशीलता है, वो ब्लॉक होती है। हमें अपने बच्चों को ये कहना चाहिए कि अगर तुम टीवी देखते हो या कार्टून देखते हो तो उसमें हम अगर एक शर्त ये डाल दें कि तुमको एक कहानी या एक पैरा पढ़ना भी है, तो बच्चा अगर वो कहानी पढ़ना शुरू करेगा तो ये मैंने बहुत जगह देखा है कि पेरेंट्स ने कहा है कि हमारे बच्चे ने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। भले ही लर्निंग स्टेज कोई भी हो, हम सब अपनी अपनी फील्ड में बच्चे ही हैं, चाहे वो 8वीं का बच्चा हो, चाहे वो 10वीं का बच्चा हो, जब भी बच्चों के स्कूल्स में कहानी का कंपटीशन होता है और एक इतना ड्रास्टिक चेंज आता है बच्चे के अंदर कि वो जब कहानी लिखता है और उसको लोग पसंद करते हैं तो उसे लगता है कि वो और कहानियां लिखे। कहानियां लिखना, कहानियां पढ़ना,
और कहानियां सुनना, ये तीनों ही बातें अपने आप में व्यक्ति को इतना समृद्ध कर देती हैं उसका ज्ञान कि उसे और किसी हॉबी को या और किसी शौक को ज्यादातर पालने की जरूरत नहीं होती। कहते हैं कि जिस जो किताबें पढ़ता है उसका उसको कुछ किसी मित्र की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो चाहे अकेले हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बस में हो, वो कहीं भी हो, उसकी हमेशा की कंपेनियन, उसकी जो फ्रेंड है एज अ बुक, वो हमेशा साथ साथ चलती है और वो खुश रहता है। जब संस्कारों की बात आती है तो हम बच्चों को कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए या इस तरह से नहीं करना चाहिए, पर हमें बच्चों की किताबों में वो बात नहीं लानी चाहिए। अगर हम बच्चे की किताब में ये कहेंगे कि चोरी नहीं करनी चाहिए या बच्चे को सुधारने के उपाय ये होते हैं, तो बच्चा सोचेगा अच्छा मुझे सुधारने के उपाय हैं, अब तो मैं बिल्कुल नहीं सुधरूंगा। तो बच्चे को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि बच्चे की हम जो ग्रूमिंग कर रहे हैं या बच्चे को हम जो बात समझाना चाह रहे हैं, वो पहले वो पढ़े और उसके बाद समझे। उसको इस तरह से समझाना चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि हमारा बच्चा चोरी नहीं करे, तो अगर किसी दुकानदार ने हमें 10 रुपए ज्यादा दे दिए हैं, तो हम उसको अपने पॉकेट में या पर्स में रखने के बजाय उससे कहें कि जाओ ये जाकर अंकल को वापस कराओ। और जब बच्चा वो 10 रुपए वापस करने जाएगा, तो निश्चित तौर पर आगे के जीवन में या भविष्य में वो कभी चोरी नहीं करेगा। वो कभी आकर आपको नहीं बताएगा कि उन्होंने पैसे ज्यादा दे दिए थे तो मैंने रख लिए, ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसके लिए हमें कहानियों के माध्यम से या अपने कार्यों के माध्यम से अपने बच्चों को ये बताना है कि जीवन में सच्चाई क्या है, जीवन में मेहनत क्या है और परिश्रम का मूल्य क्या है। जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र नहीं होती। जो भी लेखक मेरे साथ जुड़े हुए हैं या पब्लिशर्स जुड़े हैं, वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कोई कहानी की किताब मांगता है और आप उस कहानी की किताब को उनको अगर पढ़ने के लिए दे दीजिए, तो वो किताब जो है वो शायद ही वो पढ़ते होंगे या उसकी वैल्यू करते होंगे। बहुत साल पहले की बात है, मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहूंगी कि हमारी एक पहचान की लेडी थी, वो हमारे घर, उनका आना जाना था, तो उस समय लंदन में मेरी कहानी छपी थी। और सबसे दुखद बात यह रही कि जो वो किताब थी वो नंदन वालों की तरफ से मेरे घर आई थी और बुक स्टॉल पे फिर वो दूसरी कॉपी नहीं मिली, और जो हमारा हॉकर था वो लेकर नहीं आ पाया क्योंकि उसको भी नहीं मिली। बहुत ढूंढा, नहीं मिली। और ढूंढा किस लिए गया, क्योंकि जब लंदन में मेरी कहानी छपी तो मैंने उनको बताया कि बड़ी खुशी खुशी कि देखिए हमारी कहानी छपी है। तो उन्होंने कहा अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे बच्चे भी अब इसको पढ़ेंगे, लाइए दे दीजिए। और लाइए दे दीजिए कहते कहते जब तक मैं कुछ आगे का कहूँ, उन्होंने किताब छीनी और वो किताब ले गई। बस वो आखिरी दर्शन थे जब मुझे उस किताब के हुए थे। जब वो किताब ले गई उसके बाद एक हफ्ते तक तो मैंने संकोच के मारे नहीं पूछा कि अरे ये किताब जो है पढ़ रहे होंगे इनके बच्चे, पर जब कोई फीडबैक नहीं मिला, राइटर को तो फीडबैक जरूर चाहिए होता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, सारे संकोच को छोड़कर पूछा कि वो किताब पढ़ ली, तो बोली कौन सी किताब। अरे मतलब आई वॉज कंप्लीटली शॉक्ड। मैंने कहा कौन सी किताब, जो किताब मैंने आपको दी थी नंदन। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी नंदन तो बन गई चंदन और उसे तो मेरे बच्चों ने फाड़ फूड़ के फेंक दिया। आप ये समझिए, इस बात को आज 10 साल से ऊपर हो रहे होंगे, 9.5 साल एग्जैक्ट, और मुझे उनका ना तो ये वाक्य भूलता है और ना मैं उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं अपनी किताब किसी भी ऐसे व्यक्ति को पढ़ने को नहीं दूंगी जिसे किताबों की कद्र नहीं हो। मतलब उसके बाद मैं बच्चों को भी जब किताब देती हूँ तो मैं उनको 100 बार कहती हूँ कि ये किताब पढ़ के मुझे वापस कर देना। अच्छा बच्चे ज्यादा सिंसियर होते हैं, बच्चे किताब पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, उसके बाद वो कहानी पे फीडबैक देते हैं और कहानी की किताब जो है वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं और आपको किताब लौटा देते हैं। पर कई लोग जब आपकी किताब की, आपकी मेहनत की इज्जत नहीं करते हैं, इज्जत तो बड़ा दुख लगता है। वो एक्चुअली नंदन के साथ बहुत सारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे क्योंकि वो कहानी मेरी तीसरी या चौथी कहानी थी और जिसे मतलब मैंने बहुत संभाल कर रखा हुआ था उसको। और इस तरह से कई बार हो जाती है घटनाएं, कोई बात नहीं, हर घटना एक अच्छा ही सबक देती है। और इस तरह से कहिए मैंने उनको 4-5 नंदन नहीं दे दी वरना वो सारी की सारी चली जाती हूँ। तो
बच्चों को, मैं जैसे अभी आपको बता रही थी कि उन्हें हम बता सकते हैं बातों बातों में कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, या इस तरह से किसी का सामान हो तो उसे बहुत सावधानी से वापस कर देना चाहिए। इसी पर मैंने एक झूठ बोलने पे मुझे याद आया, मैंने एक कहानी लिखी थी डांसिंग हेड। ये कहानी मेरी द हिंदू में पब्लिश हुई थी, जो यंग वर्ल्ड करके सप्लीमेंट आता है द हिंदू का। उस कहानी को मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ। वो कहानी भी बड़े मजेदार टाइप की है। वो इसी उस पर है, उसका जो कहना चाहिए बैकग्राउंड झूठ बोलने वाला। एक बार क्या होता है कि सोनू नाम का एक लड़का होता है, वो उसके पास एक बहुत सुंदर सी हैट होती है। और जब वो हैट लेकर आता है अपने दोस्त को दिखाने के लिए, तो उसका दोस्त कहता है कि अरे वाह, उसके दोस्त का नाम होता है रोमी। तो रोमी कहता है कि ये तो बड़ी सुंदर हैट है, तुम कहाँ से लेकर आए? तो सोनू ने हैट को देखा और कहा कि ऐसा है कि मुझे कोई तरीका बता दो, मैं इस हैट को फेंकना चाहता हूँ। तो रोमी ने कहा, तुम पागल हो गए हो? इतनी सुंदर टोपी है, कितने सुंदर इसमें डॉट है ब्लैक और व्हाइट, और इसमें देखो कितने सुंदर सुंदर पंख लगे हुए हैं, ऐसी टोपी को भला कौन फेंकना चाहेगा, इसको तुम संभाल के रखो। तो इस पर सोनू ने कहा कि नहीं, तुमको पता नहीं है, इस टोपी ने मेरा जीना बिल्कुल मुश्किल कर रखा है। जब से ये टोपी मेरे पास आई है, मैं परेशान हो चुका हूँ और मेरे पैर दुखने लगे हैं। तो ये सुनकर रूमी बहुत जोरों से हंसा और उसने कहा, पैर क्यों दुखने लगे हैं? तुम्हारा सिर दुखना चाहिए, इतनी भारी टोपी अगर तुम पहनोगे तो। तो रोमी ने कहा, नहीं। तो सोनू ने कहा, नहीं, ये टोपी बहुत अजीबोगरीब है, ये मुझे सुबह आज एक अंकल ने दी, और उन्होंने मुझे कहा गुस्सा होते हुए कि जब भी मैं इस टोपी को पहनूंगा या नहीं भी पहनूंगा, और मैं अगर कोई झूठ बोलूंगा तो ये टोपी मेरे सिर पर बैठ जाएगी और मैं नाचने लगूंगा। तो आधा दिन तो मेरा नाचते नाचते बर्बाद हो चुका है और मैं कोई काम नहीं कर पाया। ये कहते हुए सोनू बेचारा अपने पैर दबाने लगा। रोमी ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वो तुरंत दौड़ता हुआ गया और उसने कैलेंडर देखा और उसने कहा, अरे आज तो 1 अप्रैल नहीं है, तुम क्या मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुम पक्का मुझे अप्रैल फूल बना रहे हो एडवांस में? तो सोनू बोला, अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आज सुबह क्या हुआ, मुझे घर के सामने एक अंकल दिखे, उनकी बड़ी सी दाढ़ी थी और वो थोड़े जादूगर टाइप के लग रहे थे। उन्होंने मुझसे जू का रास्ता पूछा और मैंने उन्हें म्यूजियम का रास्ता बता दिया। और जब मैंने उनको म्यूजियम का रास्ता बता दिया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने मुझे कहा, अरे वाह, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, ये वो। और मैं बड़ा हंस रहा था। और जब मैं स्कूल से लौटा तो मैंने देखा वो अंकल जो थे पसीने से तरबतर एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वो गुस्से से दौड़ते हुए मेरे पास आए और मुझसे बोले, तुमने मुझे सुबह गलत पता बताया था, क्या तुम्हें पता मालूम नहीं था? तो मैंने कहा, अरे नहीं, मेरा तो ये शौक है, मेरी हॉबी है कि जब भी कोई मुझसे एड्रेस पूछता है तो मैं उसको हमेशा गलत पता बताता हूँ। ये सुनकर जो अंकल थे वो गुस्से में बिल्कुल आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, अच्छा ठहरो, मैं तुमको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। और ये कहते हुए अंकल ने मुझे ये टोपी दे दी। टोपी देखकर तो मैंने सोचा कि अंकल शायद मुझसे नाराज होने का नाटक कर रहे थे, अरे वो तो बहुत खुश है। और मैंने तुरंत वो टोपी ली और मैं आ गया। घर आते ही मुझे मम्मी से इतनी मार पड़ी कि तुम्हें क्या बताऊं। तो रूमी ने पूछा, क्यों? तो सोनू ने कहा कि मम्मी ने पूछा कि तुमने अपना टिफिन पूरा खत्म तो कर दिया था ना? तो मैंने कहा, हाँ, मैंने पूरा खा लिया था, जबकि मैंने रोज की तरह जो टिफिन है वो अपना फेंक दिया था, मुझे मुझसे खाई नहीं गई थी वो भिंडी की सब्जी और रोटी। ये सुनकर रूमी ने कहा, फिर क्या हुआ? तो सोनू ने कहा, अरे फिर क्या था, जैसे ही मैंने ये झूठ बोला तुरंत वो टोपी पता नहीं कहाँ से उड़ के मेरे सर पे आ गई और उसके बाद मैंने नाचना शुरू कर दिया और टोपी में से गाना बजने लगा। और मैं नाचते 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 इतना थक गया और मम्मी पेट पकड़ कर हंसे जा रही थी, मम्मी का सारा गुस्सा काफूर हो गया। तब मुझे मम्मी से कहना पड़ा कि मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने आज भिंडी की सब्जी और रोटी फेंक दी थी, पर कल से मैं पूरा टिफिन खाऊंगा। और जैसे ही मैंने ये बात कही उसके बाद वो जो टोपी थी वो वापस जो है मेज पर जाकर बैठ गई। तो रोमी ने कहा, पर मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, भला ऐसा कहीं होता है? ये सब तो कहानियों में होता है। तो सोनू ने कहा, नहीं, ऐसा ही है, तुम चाहो तो आजमा के देख लो। तो रोमी ने कहा, ठीक है। तो रोमी ने थोड़ी देर सोचा और उसके बाद कहा कि आज सुबह मैंने दूध नहीं पिया था।
बस जैसे ही रोमी ने ये कहा, टोपी ने हवा में तीन चार चक्कर काटे और जाके सीधा रोमी के सर पर बैठ गई। और उसके बाद रोमी का डांस डांस डांस, घूमना नाचना कूदना सब शुरू हो गया। उछल उछल के रोमी नाचे जा रहा था और सोनू आराम से एक कुर्सी में बैठ गया। रोमी ने कहा, अरे किसी भी तरह से इसको रोको। तो सोनू ने कहा, नहीं, अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो ये टोपी तुमको माइकल जैक्सन बना के ही छोड़ेगी। तो फिर रोमी बोला, अच्छा, मुझे माफ कर दो भैया, टोपी तुम्हारा जो भी नाम हो, मैंने आज सुबह बड़ा सा गिलास भर के दूध पिया था। और उसके बाद जो टोपी थी उसने दो राउंड मारे कमरे के और वो वापस जाके सोनू के हाथ के पास बैठ गई। सोनू ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, देखा, मैं इसीलिए इतना दुखी हो चुका हूं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस टोपी से मैं छुटकारा कैसे पाऊं। तो रोमी ने कहा, अरे तुम ऐसा करो कि इस टोपी को ले जाके डस्टबिन में डाल दो, सुबह जब कूड़े वाले आएंगे तो इस टोपी को लेकर चले जाएंगे। तो सोनू ने कहा, अरे ये मत कहो, उन अंकल ने कहा था कि जो भी इसको डिस्ट्रॉय करने की बात करेगा या इसको फेंकने की बात करेगा तो ये टोपी उसके सर पे परमानेंट जाके चिपक जाएगी। जैसे ही रोमी ने ये सुना, उसने अपने जूते भी नहीं पहने और जूते हाथ में पकड़कर वो सोनू के घर से बहुत तेजी से भाग गया। उधर सोनू बेचारा इतना परेशान हो गया क्योंकि उसकी आदत थी झूठ बोलने की। वो कोई भी बात बोलता था तो सच जो था उसके मुंह से बहुत देर से निकलता था, पहले झूठ ही निकलता था। तो सोनू ने चुपचाप अपना खाना खाया और टोपी को सिरहाने रख के होमवर्क करने बैठ गया। जैसे ही होमवर्क उसने किया तो आधा होमवर्क किया रोज की तरह, आधा होमवर्क नहीं किया। मम्मी ने कहा, सोनू तुमने होमवर्क कर लिया? तो सोनू ने कहा, हाँ, मैंने सारा होमवर्क कर लिया। टोपी तुरंत मेज से ऊपर उछली। सोनू को याद आ गया कि उसे तो सच बोलना है। तो सोनू ने कहा, नहीं, अभी आधा होमवर्क हुआ है, आधा मैं और करता हूँ। और बेचारा मन मार के सोनू बैठा और उसने पूरी शाम बैठकर अपना होमवर्क किया। ये साल भर में पहला होमवर्क था जो उसने डांस करने के डर से किया था। शाम को जब पापा आए तो सोनू उनसे बचने लगा क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रोमी की बात बता देगा तो पापा उसे बहुत डांटेंगे कि उसने गलत एड्रेस क्यों बताया था। तो ये सोचकर सोनू बिल्कुल चुप रहा। पापा ने कहा, अरे आज क्या बात हो गई है, रोज तो तुम इतना हंसते हो बोलते हो, आज क्यों बात नहीं कर रहे हो? तो सोनू ने कहा, नहीं, पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। अब वो एक एक लाइन बहुत सोच समझ के बोल रहा था क्योंकि उसे पता था झूठ बोलते ही उसे डांस करना पड़ जाएगा। तो उसने उतना ही बोला जो जितना टू द पॉइंट था। उसने कहा, पापा मैंने होमवर्क कर लिया है और अब मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा के सोना चाहता हूँ। टोपी को देखा उसने, टोपी बिल्कुल अपनी जगह पे बैठी हुई थी। सोनू ने सांस ली और कहा, चलो शुक्र है कि मैंने कुछ तो कभी सच बोला, इससे मुझे ये पता लगा। दूसरे दिन सुबह जब वो स्कूल जाने लगा तो उसने टोपी को अलमारी में लॉक कर दिया और ताला लगा दिया और चाबी जो थी वो बिल्कुल तकिए के नीचे रख दी। उसने सोचा, कम से कम अब झूठ जो मैं दिन भर स्कूल में बोलता हूँ वो मैं आराम से बोल पाऊंगा क्योंकि वहां तो ये टोपी रहेगी नहीं। तो सोनू स्कूल चल दिया। जब स्कूल गया तो उसने देखा कि सारे जो बच्चे थे वो आपस में बात कर रहे थे, हंस रहे थे, बोल रहे थे। सोनू ने भी तुरंत जो है झूठ बोलना शुरू कर दिया कि अरे कल तो पता है क्या हुआ, मैं आधी रात तक पढ़ा। जैसे ही उसने कहा कि मैं आधी रात तक पढ़ा, तुरंत उसके बैग में से आवाज आनी शुरू हो गई और टोपी निकलकर बाहर आ गई। जैसे ही टोपी निकलकर बाहर आई, सोनू की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसने कहा कि अरे तुम कैसे आ गई? पर टोपी भला कोई बोलने वाली थी क्या? टोपी 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 चुपचाप बैठी रही। उसके बाद जैसे ही सोनू ने कहा कि मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा और वो चुपचाप बैठ गया। पर क्लास के बाकी बच्चे कम शैतान थोड़ी ना थे, वो तो एक के बाद एक लगातार झूठ बोल रहे थे। टोपी को बड़ा मजा आने लगा। टोपी एक बच्चे के सिर से दूसरे बच्चे के सिर पे, दूसरे बच्चे के सिर से तीसरे बच्चे के सिर पे, और इस तरह पूरी क्लास नाच रही थी। पर कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि कारण क्या था। सब डांस कर रहे थे और उनकी हंसने की
मुस्कुराने की और गाने की जो आवाजें थी वो दूर दूर तक जा रही थी। सोनू अपना सिर पकड़कर बैठे था, उसने सोचा कि अगर प्रिंसिपल सर आएंगे तो सबको डांट पड़ेगी और मुझे तो सबसे पहले पड़ेगी, क्योंकि ये टोपी जो है ये मेरी है। तो सोनू ने कहा कि देखो तुम लोग झूठ बोलना बंद कर दो, जब तक तुम लोग झूठ बोलोगे ये टोपी तुम लोगों को ऐसे ही डांस करवाती रहेगी। सब बच्चे जो थे वो एकदम से चुप हो गए, उनका समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। तब तक प्रिंसिपल सर आए दौड़ते हुए, और प्रिंसिपल सर जैसे ही कमरे के पास आए उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, जैसे कि हमारे टीचर्स चिल्लाते हैं। उन्होंने कहा क्या तुमने ये बिल्कुल भिंडी बाजार बना के रखा है, इतना शोर करके रखा है कि जो आवाजें हैं वो गेट के बाहर तक जा रही हैं। तुम्हें पता है क्या हुआ था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो बिल्कुल भी शोर नहीं करता था, इतना चुपचाप बैठता था कि टीचर्स मुझे रोज खुश होके कहते थे अरे वाह तुमसे अच्छा बच्चा तो पूरे स्कूल में कोई नहीं है। और जैसे ही प्रिंसिपल सर की ये बात खत्म हुई वैसे ही टोपी जाकर सीधे प्रिंसिपल सर के सर पे बैठ गई और प्रिंसिपल सर डांस करने लगे और सारे बच्चे हंसते हुए उनको देख रहे थे और कोई हंसी के मारे ये भी नहीं बता पा रहा था कि इस टोपी को बोलने के बाद पहनने के बाद कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये एक स्टोरी लिखी थी मैंने बिल्कुल मजाक के उसमें हल्के फुल्के अंदाज में बच्चों के लिए, कि बच्चों को ये समझ में आ जाए कि जब भी हम झूठ बोलते हैं या हम बताते हैं कि हमने होमवर्क पूरा कर लिया और अगर आधा किया होता है, या हम बताते हैं कि हमने टिफिन खा लिया जबकि हम टिफिन फेंक देते हैं, तो ये हम किसी दूसरे का नुकसान नहीं करते हैं बल्कि ये हम अपना ही नुकसान करते हैं। हमारा ही काम पेंडिंग होता चला जाता है, हम दिन भर अगर खाना नहीं खाते हैं तो हम वीक हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों को एक वर्कशॉप में मैंने ये कहानी बताई और उसमें बच्चों ने ये रियलाइज किया कि हमें झूठ जो है वो पूरी तरह तो नहीं एग्री किए कि नहीं हम बिल्कुल छोड़ देंगे, पर एटलीस्ट उन्होंने कहा कि हम बहुत कोशिश करेंगे कि हम हर बात में हर समय झूठ नहीं बोले। तो यही जो संस्कार हैं जिसे कहते हैं, ये हमारी जब बच्चा कहानियां पढ़ता है जब बच्चा साहित्य पढ़ता है तो उससे आते हैं। अगर हम देखे जाए देखते हैं संवेदनशीलता जो है सहानुभूति की भावना होती है, जो मोरल वैल्यूज होती हैं जिसे सिंपैथी कहते हैं, वो कहाँ से आती है, वो भी हमारे साहित्य से आती है। अगर बच्चा एक कहानी पढ़ता है, जैसे मैंने खुद ऐसी कई कहानियां लिखी हैं क्योंकि मुझे जानवरों पे कहानियां लिखना बहुत पसंद है, अगर हम देखते हैं कि किसी कहानी में कोई एक छोटा बच्चा है और वो सड़क पर किसी कुत्ते के पिल्ले को देखता है या बिल्ली के बच्चे को देखता है और वो उसको एक बिस्कुट का टुकड़ा दे देता है, और या वो बहुत ठंड है और वो बेचारा ठिठुर रहा है तो वो उसको जाकर उठा लाता है और एक टाट के कपड़े में लपेट देता है या किसी गर्म कपड़े में लपेट देता है, तो जो बच्चा कहानी पढ़ रहा है उस बच्चे के मन में ये पूरा सीक्वेंस चलने लगता है। उस बच्चे को ये समझ में आता है या ये पता चलता है कि अगली बार अब मैं अगर किसी भी जानवर को परेशान देखूंगा या असहाय देखूंगा, हेल्पलेस देखूंगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसकी मदद करूं। और इसी तरह से एक छोटी सी घटना जो होती है वो उस बच्चे का चरित्र निर्माण में, उस बच्चे के भविष्य में बहुत काम आती है। ये समझिए कि जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो बच्चा एक सैनिक बनता है या एक सोल्जर बनता है या डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वो किसी भी फील्ड में जाता है, पर अगर वो अपने साथ इन मोरल वैल्यूज को लेकर जाता है, इन एथिक्स को लेकर जाता है, सहानुभूति लेकर जाता है, संवेदनशीलता लेकर चलता है, तो वो किसी भी फील्ड में कभी भी फेल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो डॉक्टर है तो अगर उसने ओथ ली है और वो कल को भूल जाता है, पर बचपन में पढ़ा हुआ साहित्य, बचपन में पढ़ा हुआ उसका एक लेसन, एक कहानी वो कभी नहीं भूलेगा, उसे वो हमेशा याद रहेगी जिसने उसे एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित किया था। सियाचिन के ग्लेशियर में तैनात हमारे सैनिक दिन रात खड़े रहते हैं भारत माँ की सुरक्षा करने के लिए। तो बच्चा अगर ये कहानियां पढ़ेगा, उनके बारे में जानेगा कि वो किस तरह से संघर्ष करते हैं, ये राजस्थान में देखा जाए तो मैक्सिमम टेम्परेचर 50.8 डिग्री गया था, तो इतनी गर्मी में 50
डिग्री टेम्परेचर में, सेल्सियस में, अगर वहां पे सैनिक खड़े हुए हैं जिसमें हम लोग घर से निकलने का भी नहीं सोच सकते हैं, उस गर्मी में, उस भद्दर धूप में अगर हमारे जवान वहां पर खड़े हैं, और हम उनके लिए अगर अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, चाहे बातों के माध्यम से, चाहे कहानी के माध्यम से, चाहे किस्से के माध्यम से, तो जो बच्चे हैं उनको भला कैसे पता लगेगा। इसीलिए हमें बच्चों को संवेदनशील जरूर बनाना चाहिए। हम उन्हें एक अच्छा जिसे कह सकते हैं एक प्रोफेशन तो देते हैं, हम उन्हें एक अच्छा एक करियर तो देते हैं, पर हम उन्हें ये कहना भूल जाते हैं कि तुम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो। अगर वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनेगा तो वो तभी जाकर वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो पाएगा। एक दो घटनाएं हमारे समाज में हुई जिन्होंने मुझे सोचने पे बहुत मजबूर कर दिया। मैं बहुत विचलित हुई, बहुत दिनों तक मैं भी दुखी रही। आप लोगों ने भी जब ये न्यूज़ पढ़ी होगी तो आप लोगों को बहुत खराब लगा होगा। आशा साहनी केस जो हुआ था, बहुत पुरानी बात नहीं है, तो आशा साहनी केस में जो उनका लड़का था ऋतुराज साहनी, मुंबई में जिनका फ्लैट था, करीब 1 साल तक, 10 महीने तक उस लड़के ने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। और जो उनकी मदर थी 63 इयर्स की, आशा साहनी थी, तो जब वो 1 साल के बाद मास्टर की खोल के जब वो फ्लैट में अंदर आया तो उन्होंने देखा कि उनकी मदर का जो है वो नर कंकाल पड़ा हुआ था, और शरीर तो उनका कीड़े खा गए थे, सिर्फ ये स्केलेटन था जो वहां पर मिला बेड पर। तो वो बेटा जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, विदेश में रह रहा है, और ये समझिए ठीक है, मैं समझती हूँ लोगों का आना जाना नहीं हो पाता है, लोगों की मजबूरी होती है, पर ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि आप किसी से अपने पेरेंट्स के बारे में 10 महीने तक खोज खबर नहीं करवा सकते? आपको ये नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं, कि वो बीमार हैं, कि वो मर गए हैं, कि उनका क्या हुआ है? एक माँ अपने बच्चे को किस तरह से पाल कर बड़ा करती है? तो ये इसीलिए समाज के जो ये केसेस हैं इनको देखते हुए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बच्चे को सबसे पहले मॉरल साइंस पढ़ाएं। मुझे तो ये लगता है कि जो मॉरल साइंस है वो बहुत छोटे बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए, बल्कि उनका रिपीटेशन वापस हो जाना चाहिए 6, 7, 8 क्लास से, ताकि वो कहानियां बच्चे को याद रहे, वो भूले नहीं कि हमने बचपन में सीखा था कि ट्रैफिक में जब रेड लाइट होती है तो हमें ट्रैफिक नहीं क्रॉस करना चाहिए या हरी लाइट पे जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो इस चीज का पालन करते हैं। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा भी है, बच्चे अपने पेरेंट्स को टोक देते हैं कि अभी लाइट पापा हुई नहीं है, पापा कहते हैं अरे कोई बात नहीं जाने दो, 30 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, जहां पे पुलिस है वहां तो मजबूरी है, खड़े रहना पड़ेगा वरना फाइन हो जाएगा। जहां पे पुलिस नहीं है, छोटे शहरों की बात के लिए जाए, जैसे मेरी मम्मी रहती हैं होशंगाबाद में, वो कोई बहुत बड़ा ऐसा दिल्ली मुंबई नहीं है, तो उस वहां पे कौन देख रहा है? आराम से आप जाइए चौराहा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो चौराहा है, ऐसा लगेगा कि हमारे घर की गली है कोई तीसरी, जहां से कोई भी कहीं भी कैसे भी आता और जाता है, कोई किसी के लिए नहीं रुकता। अरे मतलब हद तब हो जाती है जब एम्बुलेंस के लिए भी नहीं रुकते। अरे उसको तो जाने दो, उसकी तो सबसे पहले जिसे कहना चाहिए प्राथमिकता है, उसके अंदर कोई पेशेंट हो सकता है, कोई क्रिटिकल स्थिति किसी की हो सकती है, पर नहीं, उससे भी आगे जाना होता है, उस एम्बुलेंस से भी ज्यादा जल्दी हमें है, क्योंकि हमें पता नहीं ऐसा घर पहुंच के क्या काम करना है या ऐसे कौन सा काम हमारा मिस हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा केस देख सकते हैं जो रेमंड का हुआ था, श्री विजयपत सिंघानिया, जो 79 इयर्स ओल्ड, मतलब बुजुर्ग, इतने बुजुर्ग व्यक्ति को अपने ही घर के लिए, अपने ही पैसों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 2,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति के बाद भी वो इतने लाचार और मजबूर हो गए कि सड़क और न्यूज चैनल तक जो था उनकी सारा, उनके इंटरव्यूज आए, उन्होंने अपनी मजबूरी बताई, उन्होंने सीधे सीधे साफ शब्दों में जो भी कहा अपने घर के लिए। तो इतना मतलब आदमी मजबूर हो जाए कि वो बाहर आए जस्टिस लेने के लिए, और किससे? अपने ही बच्चों से, अपने ही बच्चों से लेने के लिए अगर ये बाहर कोर्ट जाना पड़े तो ये कितने दुख की बात होती है, माँ बाप के लिए, पेरेंट्स के लिए तो कितने दुख की बात होती है। तो सबसे पहले अगर हम बच्चे को ये बताएं कि ठीक है तुम्हारा विदेश जाना बहुत जरूरी है, अब छोटे छोटे बच्चों से आप आज की डेट में पूछ लीजिए कि तुम्हारा एम्बिशन क्या है, क्या
क्या कोई बच्चा कहता है कि नहीं मुझे देश की सेवा करनी है या मुझे सोसाइटी की सेवा करनी है? हर तीसरे बच्चे चौथे बच्चे का जवाब होता है कि मुझे तो विदेश जाना है, मुझे तो अमेरिका जाना है, मुझे तो डॉलर्स कमाने हैं, मुझे तो कार लेनी है, मुझे तो ये लेना है, मुझे तो बोले कैसे आता है ये? क्योंकि ये घर से सिखाया जाता है। अगर घर से ये बात सिखाई जाए कि भैया सबसे पहले तुम्हें उन पेरेंट्स की देखभाल करनी है जो बेचारे वृद्ध हो जाएंगे एक समय में। अच्छा, ये आप सबने देखा होगा, एक व्हाट्सएप का मैसेज आया था, बड़ा प्यारा सा मैसेज था वो, कि पंचकुला के वो थे अंकल, और जब ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, कंप्लीट लॉकडाउन, तो उसमें दिखाया था कि वो पुलिस जाकर पूछती है गेट से उनका नाम वगैरह, तो वो निकलते हुए आते हैं और वो कहते हैं हाँ वो मैं ही हूँ, नाम मुझे नहीं पता उनका क्या था। और तो फिर वो पुलिस वाले जो हैं वो हैप्पी बर्थडे कहते हुए केक काटते हैं, और उनके दरवाजे पे ही केक काटा जाता है, वो पुलिस वाले वगैरह सब मास्क पहने होते, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग बिटरली। मतलब वो जो अंकल थे वो इतना ज्यादा रोने लगे थे, फूट फूट के रोने लगे थे, वो उस पूरे इतने बड़े जो जिसे कहना चाहिए कि घर में हवेली टाइप के घर में बिल्कुल अकेले रह रहे थे। तो ऐसे बहुत से किस्से हैं, ऐसी बहुत सी सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं कि जहाँ पे ओल्ड एज के मतलब लोग रहते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स रहते हैं, उन लोगों के लिए सर्विस रहती है, उनका सामान लाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी देखभाल करना। तो ये देखा जाए तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि हम सब लोग भी उसी फेज से गुजर रहे हैं और उस फेज में जाएंगे एक टाइम पे, क्योंकि एज तो सबकी ही बढ़ती है। तो वो जो अकेलापन होता है उसके बाद में, चाहे आपके पास में हजारों लाखों रुपए की दौलत क्यों ना रखी हो घर के अंदर, पर जो अकेलापन होता है, जो कमी होती है परिवार वालों की, वो किसी भी तरह से पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए हमें बच्चों को साहित्य की, मैं बात कर रही थी, बच्चों को साहित्य से, कहानियों से, किताबों से, धरातल से, मतलब उन्हें डाउन टू अर्थ रहकर किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, यह हमें जरूर सिखाना चाहिए। एक इसी तरह से मेरी एक कहानी है, इंद्रधनुष के रंग। एक बहुत बूढ़ा आदमी होता है, वो सबकी मदद करता है, और उसके जहां भी उसको मौका मिलता है वो सबकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। लोगों को ये विश्वास होता है कि कोई भी हमारी गांव में मदद करे या ना करे, जो ये है बूढ़े बाबा, ये हमारी मदद जरूर करेंगे। और इसीलिए सब उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेने लगते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे ये तो है ही है, ये तो हमारी मदद करेंगे। पर वो इतने अच्छे होते हैं जो बूढ़े बाबा होते हैं, कि उन्हें ये लगता है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी को तकलीफ ना दूं, इसीलिए वो सबकी मदद करते चलते हैं। एक बार गांव में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है और पानी की कमी होने लगती है, तो जो बूढ़े बाबा होते हैं इनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इनके घर में तो कोई और होता ही नहीं है जो उनके लिए पानी ला सके। और बेचारे ये थोड़ा सा जो चलते थे तो हाँफ जाते थे, ये कुएं तक भी नहीं पहुंच पाते थे। तो इन्होंने अगल बगल के लोगों से कहना शुरू किया कि भाई ऐसा है कि मैं तो बहुत परेशान रहने लगा हूं, और मैं सारा सारा दिन प्यासा पड़ा रहता हूँ, तो तुम लोग मेरे लिए पानी ला दिया करो। एक दो दिन, 3 दिन तो कोई एक टाइम लाकर दिया किसी ने, फिर लोगों ने इनकी बात सुननी बंद कर दी। फिर एक दिन ये बेचारे चलते चलते लड़खड़ा कर गिर पड़े प्यास से, और इतना परेशान हो गया कि इनको मतलब रोना आ गया। इन्होंने सोचा कि मैंने पूरी जिंदगी इस गांव की मदद करी, यहाँ के लोगों की मदद करी, और उसके बाद भी इन लोगों ने आज मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दिया, इससे तो बेहतर है कि मैं ये जो है गांव छोड़ देता हूँ। और उन्होंने बहुत दुखी होते हुए वो गांव छोड़ा। जब वो गांव छोड़ रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपना परिवार छोड़ के जा रहे हों। रोते बिलखते उन लोगों के लिए भी उनके दिल में इतना दुख था, जिन लोगों ने उनको अपमानित किया था, जिन लोगों ने उन्हें पानी नहीं दिया था, उसके बाद भी वो उन सब लोगों के लिए भी दुखी थे, क्योंकि बेसिकली जो थे दिल के हृदय के, ये बहुत सज्जन व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे। जब ये गांव के बाहर चले गए, चलते 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 ये एक जगह पे पहुंचे, वहां पे इनको बहुत अच्छा लगा। वहां पे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी और बहुत सारे फूल थे, अनगिनत फूल थे, तो रंग बिरंगे फूल देखकर इनको बहुत अच्छा लगा। इन्होंने कहा अरे वाह, ये कौन सी जगह है जहाँ पे अकाल नहीं पड़ा हुआ है? और फिर इन्होंने देखा तो वहां पर एक नदी बह रही थी। ये तुरंत वहां पे तेज कदमों से गए और इन्होंने वहां पर जी भर के पानी पिया। पानी पीते के साथ इनके अंदर जो है वो स्फूर्ति आने लगी, बहुत ऊर्जा आने लगी। जब बहुत एनर्जी आ गई तो
पानी में इन्होंने अपनी प्रतिबिंब देखा, जब अपनी शैडो देखी तो इन्होंने देखा कि ये तो बिल्कुल यंग हो चुके हैं, बिल्कुल जवान हो चुके हैं। तभी इन्हें किसी के हंसने की आवाज आई, तो बूढ़े बाबा ने पलट के देखा, पर अब वो बूढ़े नहीं रह चुके थे, अब तो वो बिल्कुल जवान हो चुके थे। तो पीछे बादलों का एक झुंड बैठा हुआ था, और बादलों का झुंड हंसते हुए बोला कि अरे हम आपको यहां तक खींच के लाए हैं, ये हमारी ही प्रेरणा थी कि आप जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, वरना आप तो बहुत दूर चले जाते कहीं जहां पे बिल्कुल पानी नहीं था। तो ये सुनकर वो बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि अरे तुम लोगों ने मेरी इतनी मदद करी। तो बादल बोले, उसमें से एक बादल बोला, अरे हमें तो आपकी मदद करनी ही थी, हमने हमेशा देखा है कि आपने गांव वालों की कितनी मदद करी, कभी किसी को दुखी नहीं किया, किसी को निराश नहीं किया, और इस वजह से हम जानते हैं कि आप इतने अच्छे हो, इसलिए हमने आपके साथ ये अच्छाई करी। तो बूढ़े बाबा बोले कि अच्छा, तो अब मैं क्या वापस अपने गांव जाऊं? अब तो मेरी उम्र क्या 20-21 साल की है, मैंने पानी में देखा था तब मैं ऐसा ही लगता था। तो बादल बोले, हाँ, अब आप बिल्कुल जवान हो चुके हैं, पूरे इतने सुंदर लग रहे हैं, अब आप अपने गाँव जाओ, और जो गांव वाले हैं उनकी बिल्कुल चिंता मत करो, उन लोगों के कारण ही तो आपको गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। तो ये सुनकर वो बूढ़े बाबा थे वो अब बिल्कुल चले गए अपने गांव, पर गांव में उनको कोई पहचान ही नहीं, क्योंकि वो तो 20-21 साल के बिल्कुल नवयुवक बन चुके थे। तो वहां पे पर जाकर उन्होंने देखा कि उनके जो अड़ोसी थे, जो पड़ोसी थे, जो लोग थे, वो बेचारे कराह रहे थे, आधे लोग नर कंकाल हो गए थे, आधे ऐसे ही गिरे पड़े हुए थे, क्योंकि वहां पर पानी नहीं था, और पानी नहीं होने के कारण कुएं भी सूख गए थे। ये देखकर उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, और बिल्कुल वहां जो जो लोग बैठे हुए थे उनके बगल में ही बैठ गए, और वहां पे जब जमीन पर बैठे तो उन्होंने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया, अरे मैं कितना स्वार्थी था, मुझे गांव छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मतलब उसमें भी उन्होंने खुद को ही दोष दिया। तभी उन्हें बादल की बात याद आई, कि बादलों के झुंड में से एक बादल ने उनसे कहा था कि तुम जब भी हमको बुलाओगे, हमको याद करोगे, हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये बात याद आते ही उन्होंने तुरंत दोनों हाथ फैलाए और आसमान की तरफ देखकर कहना शुरू कर दिया, अरे मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे बादलों, तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे यहाँ तुम्हारी बहुत जरूरत है। देखते ही देखते कुछ ही पलों बाद वहां पर ठंडी हवा चलने लगी, काली काली घटाएं आ गईं, और बादल जो थे वो आकर आसमान में छा गए। उसमें से एक बादल ने पूछा, बोलो मित्र, तुमने हमें कैसे याद किया? तो वो बोला कि ऐसा है कि मेरे गांव वाले बहुत दुखी हैं, इन्होंने मेरे साथ जो भी व्यवहार किया हो मैं उसके लिए इन सबको क्षमा करता हूं, पर मैं इन लोगों को इस तरह से भूख प्यास से तड़पते हुए नहीं देख सकता। आधा गांव तो बिना प्यास के मौत के मुंह में जा रहा है, ये सब लोग मेरे संगी हैं, मेरे साथी हैं। ये देखकर एक बादल बोला कि तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम में इतनी ज्यादा इंसानियत है, तुम्हारा चरित्र इतना ऊंचा है जो ये लोग समझ नहीं पाए, इन लोगों ने तुमको गांव से एक तरह से निकाल दिया, उसके बाद भी तुम इन लोगों की मदद करने के लिए हमें बुला रहे हो और इनके लिए रो रहे हो, इंसान होते हुए भी तुम में देव तुल्य गुण है, और इसीलिए अब तुम हमारे साथ रहोगे और तुम्हारा नाम होगा इंद्रधनुष। ये सुनकर वो बोला, क्या मतलब? तो ये कहकर बादलों ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे आसमान में ले गए, और झमझम करके बरसने लगे, बहुत तेज पानी बरसने लगा, चारों तरफ लोगों के चेहरे खिल गए, लोग खुशी के मारे नाचने लगे, और वहां पर फिर कभी सूखा नहीं पड़ा। और बादल इसीलिए जब भी कहीं जाते हैं, किसी सूखी जगह पे बरसते हैं, और वहां पर इंद्रधनुष हमेशा मुस्कुरा के आसमान में उनके साथ आ जाता है। तो ये मेरी कहानी थी इंद्रधनुष के रंग। इस कहानी में मैंने यही देखा था, एक बार मैंने इंद्रधनुष को देखा था, बादलों को देखा था और धूप को देखा था, वो सब कुल मिला के उस वक्त इतना सुंदर लगता है जब 7 रंग का इंद्रधनुष आसमान में छा जाता है। तो मुझे लगा था कि जब भी हम किसी के साथ कोई भी अच्छाई करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, उसका फल, उसका नतीजा हमें एक ना एक दिन जरूर मिलता है। जरूरी नहीं है कि हमने जिसके साथ अच्छाई करी हो वही व्यक्ति हमें रिटर्न करे, वही व्यक्ति हमारे साथ रिटर्न में या बदले में अच्छा व्यवहार करे। हम अगर निस्वार्थ भाव से करते हैं तो ये चीज हमारी कहीं ना कहीं काउंट होती है और इसका फल हमें
जरूर मिलता है। और इसी के साथ रंग सरोकार मंच में फिर से दोबारा उपस्थित होने का अवसर प्रदान होगा, और फिर जो मेरी और कहानियां हैं उन कहानियों को लेकर मैं आऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। नमस्ते।